नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साइबर अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए साइबर फ्रॉड पर तत्काल कार्रवाई एवं पीड़ित को राहत दिलाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी गण पुलिस एवं थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। वर्तमान समय में घटित हो रहे साइबर फ्रॉड, साइबर संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और उन पर तत्काल कार्रवाई करने, पीड़ित पक्ष को त्वरित राहत पहुंचाए जाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन संचालित किए जा रहे NCRP पोर्टल पर प्राप्त होने वाले साइबर फ्रॉड की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई एवं लंबित आवेदन पत्रों की जिला स्तर पर समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लाइन मुरैना में जिले के समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में NCRP साइबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।